हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम चार कली पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे, तो आप हमारी वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा 2.25 मीटर है। तो कपड़े को हमें देखिए इस तरह से बिछा लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कपड़े को बिछा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लंबाई नापेंगे। तो 2 इंच की हम कमर पट्टी रखेंगे, तो इंची टेप को हमें 2 इंच ऊपर बढ़ा के रखना है और यहाँ से लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 34 इंच है, जिसमें हमें 1.5 इंच की झाला रखनी है। तो यहाँ पर आएगा 32.5 इंच और 1 इंच का मार्जिन लेंगे, तो 33.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। यहाँ पर हमें एक लाइन खींच देनी है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कमर की साइड से 12 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमारी जो पेटीकोट की कलियाँ हैं, इसकी चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे देखिए 20 इंच। देखिए 20 इंच रखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी 12 इंच पर निशान लगाएंगे और उस साइड में हमारी कली 20 इंच की रहेंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस निशान से दूसरे निशान तक हमें तिरछे में इंची टेप को रखना है। देखिए इस तरह से तिरछे में ही रखेंगे, ठीक है। और फिर निशान लगा लेंगे। और दोस्तों, आप लोग वीडियो कल तक जरूर देख लें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से पेटीकोट की कटिंग करी है। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से निशान को लगा लिया है। 12 इंच पर हमने उस तरफ निशान लगाया है और 12 इंच पर हमने इस साइड में निशान लगाया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर चारों कली को एक बराबर रखेंगे। फिर हम यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे की साइड जितना भी हमारा कपड़ा ज्यादा है, तो इसको देखिए इस तरह से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। एक साथ में हमने चार कली कटिंग करी है, 1, 2, 3, 4, चारों कली हमारी कटिंग हो गई हैं। अब हम यहाँ पर कमर पट्टी कटिंग करेंगे, तो कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमारी बेल्ट की लंबाई 2 इंच है, तो हमने 2.5 इंच पर इसको फोल्ड किया है, ठीक है। बेल्ट की जो चौड़ाई है यहाँ पर है 17 इंच और हमें रखनी है 18 इंच, तो यहाँ पर हम 1 इंच की अलग से पट्टी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कमर पट्टी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर झालर के लिए पट्टी फोल्ड करेंगे और झालर की जो हमारी लंबाई है वो 1.5 इंच है, तो यहाँ पर हम 2 इंच तक इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है।
आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर 2 इंच तक इसको फोल्ड किया है। अब हम यहाँ पर सीधी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इसी के बराबर हमें दूसरी पट्टी कटिंग कर लेनी है। तो सेम इसी तरीके से हमें सारी पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पट्टी कटिंग कर ली है। टोटल हमारी 5 पट्टी कटिंग हुई हैं। तो सबसे पहले हमें एक कली को लेना है, इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर हमने दूसरी कली ली है। दूसरी कली की जो तिरछी साइड है उसको हमें देखिए इस तरह से रखना है, ठीक है। और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर हमें तीसरी कली लेनी है। इसकी भी जो तिरछी साइड है उसको इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, इसको इस तरह से सीधा रखेंगे और यहाँ पर हमें चौथी कली लेनी है। तो इसको इस तरह से रखेंगे और फिर इस तरह से हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। देखिए चारों कली हमारी सिल्कत तैयार हो गई हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेल्ट को लेंगे और बेल्ट में हमें इस तरह से पट्टी को सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेटीकोट को लेंगे और इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हमें कमर पट्टी रखनी है और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हर एक कली में हमें 20 सेंटर पर 2-2 प्लेटें सिल लेनी है, ठीक है। तो चारों कलियों में हमें 2-2 प्लेटें सिल लेनी है। तो यहाँ पर हमने देखी इस तरह से सिलाई लगा दी है। देखिए हमने हर एक कली में 2 प्लेटें सिली हैं। अब हम इसको इस तरह से सीधा रखेंगे और सीधी तरफ से हमें फोल्ड करके इस तरह से पट्टी को सिल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे और साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने साइड में भी सिलाई लगा दी है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर झालर सिलेंगे। तो पहले हम इस तरह से पट्टियों को सिल लेते हैं आपस में। तो यहाँ पर हमने पट्टियों को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे
और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो पूरी पट्टी में हमें देखिए इस तरह से सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने पूरी पट्टी में सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें छोटी छोटी पलेटें डालेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी पलेटें डाल के हमें सिलाई लगानी है, तभी जो हमारी झालर है वो सिलकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से झालर को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर पेटीकोट को लेंगे और इसको सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर झालर को रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। और फिर ऊपर से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरी गोलाई में दांत सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने पूरी झालर में दांत सिलाई को लगा लिया है। आप चाहें तो इसमें डबल सिलाई भी लगा सकती हैं। तो इस तरह से हमारा जो चार कली का पेटीकोट है वो सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।